तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में आया हुआ था। दोपहर के 2 बजे के करीब हम तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं बाल कटाने के लिए, क्योंकि आज शादी है। फाइनली हम तीनों आ जाते हैं नाई की दुकान में। टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं सबसे पहले बाल कटाने के लिए बैठ जाता हूँ और फाइनली मेरा बाल कट जाता है। उसके बाद शिशिर बैठ जाता है बाल कटाने के लिए। वैसे ये वाला लुक भाई पे अच्छा लग रहा था। बाल कटाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं घर की ओर। इतनी तेज धूप में बाइक चलाने के बाद हमें ठंडा पानी पीने का मन करता है, बट ठंडा पानी न पीकर हम लोग अपने अपने पसंद का ठंडा पीते हैं और इसने तो बाल भी नहीं कटवाया। फिर शाम के टाइम हम लोग निकल पड़ते हैं मैरिज हॉल की ओर, जहाँ पे शादी होने वाला है। फाइनली हम लोग मैरिज हॉल के पास आ जाते हैं। फिर हम लोग रूम आ जाते हैं ड्रेस चेंज करने के लिए। फिर सत्या रेडियो के आता है तो अपना ड्रेस ढूंढने लगता है इधर उधर। सत्या को पता नहीं है कि मैं इसका ड्रेस छिपा के रखा हुआ। इसको लगता है कि कहीं मैं ड्रेस घर पे तो नहीं छोड़ा है। बट फाइनली इसका ड्रेस मिलने के बाद इसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती है। फिर फटाक से हम लोग रेडी होकर नीचे आते हैं, क्योंकि बारात आ चुकी थी। बारात आते ही हम लोगों को डीजे के पास जाके डांस करने का बहुत मन कर रहा था, बट हम लोग डांस नहीं कर पाते हैं क्योंकि डीजे के पास लगातार स्काई शॉट छोड़ा जा रहा था। फिर उसके बाद सभी भाई बहन को लेकर आते हैं जयमाला के लिए और फिर हम सब खड़े होकर जयमाला देखते हैं। फिर और क्या, जयमाला खत्म होने के बाद फिर हम लोग अपना नागिन डांस शुरू कर देते हैं। इसी बात पर अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।